नारेबाजी की है, सबकी वीडियोग्राफी कराई गई है और सबके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। लेकिन एक बार एक साथ जाके हुल्लड़बाजी ये मुनासिब नहीं है। और जिन लोगों ने हुड़दंग करने का प्रयास किया है, सभी की वीडियोग्राफी हुई है, ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाएगा जिनके द्वारा आचार संहिता का उल्लंघन करके किसी तरह की नारेबाजी की गई है, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। बाकी सब शांतिपूर्ण हो गया। फैमिलियां हैं तो जब ऐसी कोई कहीं की मृत्यु होती है, अंतकाल होता है किसी का, तो लोग आते हैं, संवेदनाएं व्यक्त करते हैं। तो ग्रुप में लोग आए और जो अंतिम नमाज थी प्रिंस मैदान में, वहां पे लोग इकट्ठे हुए थे और वहां से जैसा कि परिजनों से वार्ता की गई थी, लगभग 50-60 लोग जो कब्रिस्तान था वहां पर जाने के लिए बात हुई थी, तो उतने ही लोग गए और सब लोगों ने उसमें शामिल किया। अब सुपुर्दे खाक के बाद मिट्टी उट्टी देने के लिए जो दो चार नियर एंड डियर्स उनके जो परिजन हैं, जिनकी अनुमति घर वाले दे रहे हैं, वो अपना ग्रुप में आकर के मिट्टी की कार्रवाई कर रहे हैं और बाकी सभी लोगों का डिस्पर्सल का कार्य हो रहा है। पहली बार जो जनाजे के साथ लोग आए थे, काफी भीड़ है, लेकिन घर वालों को ही पहली बार में जाने दिया गया, तो ऐसा भी था? घर वालों से बात हुई थी, उन्होंने कहा था 50-60 जो हमारे नियरेस्ट लोग हैं वही जाएंगे, तो उनको रोक करके, बाकी लोगों को रोक करके उन्हीं लोगों को उनके साथ जाने दिया गया। बाकी लोगों को डिस्पर्स कर दिया गया, क्योंकि रात से ही जब से डेड बॉडी आई है तब से लोग अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं, आ रहे हैं, घरों से आते हैं, मिलते हैं और अपने अपने घर वापस चले जाते हैं। यहाँ पे जो जनाजे का दफन होना था वो सहकुशल हो गया है और परिजन अब अपना मिट्टी देके और वापस काफ़ी लोग लौट गए हैं, बाकी लोग धीरे धीरे जा रहे हैं। तो समर्थकों से क्या अपील करेंगे, जो उनके जो आए थे काफ़ी बड़ी संख्या में, उनसे क्या अपील करते हैं, किस तरह की अपील करते हैं? शांति व्यवस्था बना के रखें और जिन लोगों ने हुड़दंग करने का प्रयास किया है, सभी की वीडियोग्राफी हुई है, ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाएगा जिनके द्वारा आचार संहिता का उल्लंघन करके किसी तरह की नारेबाजी की गई है, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। बाकी सब शांतिपूर्ण हो गया, सब सारा कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से हो गया है और सभी लोगों से अपील है कि शांति व्यवस्था बनाए रखें, क्योंकि आदर्श आचार संहिता और सेक्शन 144 दोनों हैं, तो उसका उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जाएगी। बहुत सारे समर्थक दूर से आए, उनसे क्या अपील करेंगे, किस तरह का, जो समर्थक आए थे नारेबाजी वगैरह कर रहे थे? नहीं देखिए, जो कस्बे के लोग हैं वो आए हैं, वो नेचुरल है, वो आते ही, बट जिन्होंने नारेबाजी की है उन सबकी वीडियोग्राफी कराई गई है और सबके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे, क्योंकि हम बार बार अनाउंस भी कर रहे थे आदर्श आचार संहिता है तो उसके अनुरूप सबको आचरण रखना चाहिए, जिसने भी उल्लंघन किया उसके विरुद्ध विधिक कार्रवाई होगी, उसके विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। जिंदाबाद के नारे लगाए, अभी आपको मैंने बताया कि वीडियोग्राफी कराई गई है, उसका अवलोकन करके जिस जिसने नारा लगाया है, जो नारा लगाया उसके विरुद्ध हम लोग FIR दर्ज कराएंगे। नहीं, इसका जो धार्मिक तरीका होता है, पहले घर पे जनाजा आम जनता के दर्शन के लिए रखा गया, उसके बाद जनाजे की नमाज हुई और फिर यहाँ इस हाते में जो पुरखों के कब्रिस्तान है यहाँ पे दफन हुए। फातिहा हो चुका है, क्योंकि भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा थी, ओवर क्राउड हो जाने की वजह से कुछ मुश्किलें आई, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ खैरियत से हो गया। जो समर्थक आए थे उनको क्या अपील करेंगे? कुछ नहीं, वो सब मट्टी आज दे लें, कल दे लें, जब चाहे आके फातिहा पढ़ लें, मजार पे मट्टी डालने और फातिहा पढ़ने से कौन सी रोक है, लेकिन एक बार एक साथ जाके हुल्लड़बाजी ये मुनासिब नहीं।